गाइस ये देखना, ये भी फिश है, इसकी नोज है आई थिंक। ये कैसा फिश है, पतंग जैसा देखना। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस पिछले व्लॉग में आपने देखा था, मैं अयोध्या से निकला था लखनऊ के लिए, तो फाइनली मैं लखनऊ रात में पहुंच गया था। रात भर रुका लखनऊ में। अब गुड मॉर्निंग है नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया है। अभी टाइम हो रहे हैं 3, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे लुलू मॉल घूमना है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लखनऊ में, मेरे नहीं है, मेरे भतीजे के फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ मैं आया हूँ लुलू मॉल घूमने। तो गाइज मैं आपको भी दिखाता हूँ, बस मैं पहुँच चुका हूँ, मेन गेट पे हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज सी दिस, वो रहा लुलू मॉल, ये रही अपनी डार्लिंग, और ये है मेरे भतीजे का जो फ्रेंड है उनकी सिस्टर है ये। तो साथ में सब लोग हैं बेसिकली, हम लोग ये बाइक से आए थे, बाकी लोग ऑटो से आए हैं, वहाँ पे अभी मेन गेट पे मिलेंगे। तो ये रहा लुलू मॉल, अब चलते हैं मॉल के अंदर। तो गाइज आ गए हैं अब पार्किंग में, डार्लिंग को पार्क कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, अब चल रहे हैं मॉल में, एंट्री करते हैं। गाइज सी दिस, यहाँ पे डार्लिंग को कर दिया है पार्क, चलो आओ। गाइज यहाँ का जो बाइक पार्किंग है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है यार, और मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही है, पार्क करके सीधा आप एंट्रेंस देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे होंगे, बाइक को पार्क करके सीधा आप मॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं, मतलब बाहर निकल के। ज़्यादा टेंशन नहीं है कि लिफ्ट विफ्ट का टेंशन है या फलाना ढिमकाना। वैसे काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बाहर से तो ऐसी फीलिंग आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये शहर से काफ़ी बाहर है, मतलब आउट एरिया में, बट सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। तो चलो अभी चलते हैं आगे, भी जो भी होगा आपको दिखाएंगे। ये रहा लुलू मॉल का ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, आई थिंक ये है एंट्री। शायद यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एंट्री कर लें यहाँ से। तो गाइज वहाँ सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ से सीधा अंदर आने के बाद ये है कोस्टा कॉफ़ी, अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो गाइज अभी मॉल के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं, बट अभी जो साथ के लोग हैं, दो लोग और हैं, वो अभी मिल नहीं रहे, उनको कॉल करना है, पहले कॉल करके उनको देखते हैं। आई थिंक उन्होंने बताया था कि स्टारबक्स जो है उसके सामने वो लोग खड़े हैं, तो पहले स्टारबक्स ढूंढते हैं। गाइज उन लोगों को कॉल किया, उनसे बात हुई, वो लोग आ रहे हैं 5 मिनट में। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मतलब अच्छी वाइब आ रही है, फीलिंग गुड, दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़, रुको। गाइज सी दिस, मतलब इन्होंने मॉल के अंदर ट्रीज लगाए हैं, बट सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यार, मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ, सी मस्त लग रहा है यहाँ पे। तो गाइज आ गए ये दोनों भी, ये हो मेरी जान। तो गाइज अब सब लोग हो गए इकट्ठे, ये राज का फ्रेंड देवांश, देवांश की सिस्टर गंगा, और मुझे तो आप जानते ही हैं, नाम तो सुना ही होगा। तो गाइज सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं अभी, बट समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें, तो चलो जहाँ से भी मतलब शुरुआत हो जाए, बस हो जाए, चल आ जाओ भाई। गाइज ये देखना, हमने बहुत जगह देखा है, बिग बाजार एंड पता नहीं, बट बहुत मतलब कई तरीके के सुपर मार्केट होते हैं, इन्होंने लुलू हाइपर सुपर मार्केट बना रखा है, ये देखो। गाइज अभी आपने देखा नीचे लुलू हाइपर मार्केट था, यहाँ पे मेरे पीछे देखेंगे आप लुलू फैशन स्टोर भी है इनका खुद का, रुको मैं दिखाता हूँ, अभी शायद मे भी हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो, मैं आपको मतलब बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखो लुलू फैशन स्टोर, मेरे को लग रहा है इन्होंने अपने नाम से सब बना रखा है क्या, सुपर मार्केट भी है, फैशन स्टोर भी है। तो गाइज आ गया हूँ मैं लुलू हाइपर मार्केट में, देखूँ थोड़ा आपको भी घुमा दूँ, मेरा भी बहुत मन था घूमने का, तो इसलिए आ गया अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने सुना था कि यहाँ पे क्या नाम है हाइपर मार्केट में, कि अगर आपको फ़िश विश का लाइक शार्क वाक का, मतलब जो फिश होती है ना शार्क, उसका मीट चाहिए, वो भी मिलता है, तो मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट था वो सब चीज़ें देखने का, तो दैट्स वाई मैं इधर आ गया। अभी चलता हूँ देखता हूँ अगर ऐसा है भी क्या, मतलब मैंने एक्चुअली एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, बट गाइज काफ़ी सुंदर बना हुआ है यार मार्केट, काफ़ी मतलब जो हाइपर मार्केट है ना बहुत वेल मेंटेन है यार, यहाँ पे बहुत साफ सफाई तो बेसिकली वैसे हर मॉल में होती है, बट इनका मैनेजमेंट ना बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे वैसा फील आ रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं यहाँ की सारी चीज़ें। आप यहाँ पे कोई भी रॉ देख लीजिए, कोई सामान इधर उधर नहीं दिखेगा, सब एकदम देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, सी एक भी सामान इधर उधर नहीं, आप कहीं भी देख लो कुछ भी, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। ये है इनका फ्रूट मार्केट, ड्रैगन फ्रूट, ये अमीरों का फ्रूट है ना, ये ड्रैगन फ्रूट काफ़ी मेंटेन है भाई, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, फिलहाल नया है शायद इस वजह से मेंटेन किया है, बिकॉज दिल्ली वैली में और कहीं भी हम देखते हैं तो जैसे जैसे मॉल्स पुराने होते हैं ना, तो बस काम चला रहे हैं सब लोग, ऐसा कुछ फीलिंग आती है मतलब बाहर में, अभी ये नया खुला है तो मे बी शायद इस वजह से। गाइज अब मैं फाइनली उस जगह पे आ गया हूँ, हॉट फूड नॉनवेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सारी चीज़ें देखिए, यहाँ से सारी चीज़ें जो भी दिखेंगी सब नॉनवेज आइटम्स हैं, बट मुझे वो एक्साइटमेंट बहुत है देखने का कि सच में शाक का मीट यहाँ मिलता है क्या। गाइज ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे सिर्फ चिकन के आइटम्स हैं, चलो वो किसी ने बताया है कि आई थिंक उधर कहीं है फिश विश का, तो चलते हैं देखते हैं।
गाइज आई थिंक इस वाले मतलब सुपर जो है क्या बोलते हैं लुलू हाइपर मार्केट है ना लुलू हाइपर मार्केट आई थिंक यहाँ पे नहीं है वो, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढ लिया यहाँ नहीं मिल रहा है, किसी से पूछना पड़ेगा। तो चल के पहले पूछते हैं। उससे पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ चिकन के कुछ आइटम्स थे ना मैंने देखे हैं बड़े डिफरेंट तरीके के, मतलब देखने में बड़े ऐसा लग रहा था ये वाली फीलिंग आ रही थी। चल के मैं अभी दिखाता हूँ उनको। गाइज ये वाला है वो सेक्शन, ये देखिए चिकन की वैरायटीज यहाँ पे, एंड स्पेशली ये देखने में मेरे को बहुत ही यमी लग रहा है, बट आई डोंट नो कि इसका टेस्ट कैसा होगा। सी अलग अलग वैरायटीज है यार, देख के मतलब मज़ा आ रहा है। तो गाइज किसी से पूछा है मैंने यहाँ के स्टाफ से, उन्होंने बताया है कि यहीं बगल में ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यार, मेरे को सच में लग रहा है सही मिलता है, मैंने देख लिया। वेट दिखाता हूँ मैं आपको भी। सी दिस, यहाँ देखो शाक हवा में है तो ऑब्वियसली मिलता ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये है सारी चीज़ें यहाँ पे, पता नहीं कौन कौन से फिश है यार, मतलब सच में मिल रहा है। सी आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखते जाओ भैया इसमें शाक कौन सा है। नहीं है आज, अरे यार ये भैया बता रहे हैं शाक नहीं आज, मैं स्पेशली शाक के लिए आया था। ये कौन सा फिश है? ओ भैया ये ऑक्टोपस है क्या? कैटल फिश, मतलब ऑक्टोपस जैसा लग रहा था ये। गाइज क्या है यार सच में, ये क्या है? क्रैब। और देखना केकड़े की वैरायटीज, प्रॉन्स, हाय हाय, मतलब ये आदमी खाते हैं भैया। भैया हंस रहे लेकिन, अरे यार सच में भाई शार्क नहीं है ना, कब तक मिलेगी? दो तीन दिन में है अभी यार, हम तो दिल्ली से स्पेशली इसीलिए आए थे। तो गाइज शार्क नहीं मिली देखने को, बट चलो कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी लखनऊ विजिट करेंगे तो आएंगे ज़रूर यहाँ पे। गाइज ये देखना ये भी फिश है, इसकी नोज है आई थिंक, ये कैसा फिश है, पतंग जैसा, देखना इसका नाम क्या है, स्टिंग रे फिश। ये देखो स्टिंग रे फिश होल कुछ लिखा है, आई थिंक 350 रुपये किलो है ये। ये भी लोग खाते हैं यहाँ पे लखनऊ में, बाप देखने लग रहा है कहीं से फिश ये। तो गाइज आपने जो फिश देखा ना पतंग जैसा, ये मैंने बहुत वीडियोस में देखा है, आई थिंक दुबई मॉल में एक्वेरियम है उसमें भी है ये, और समंदर में भी मैंने बहुत ऐसी वीडियोस देखी हैं जो फिश की वीडियोस बनाते हैं उसमें भी मैंने देखा है इसे। बट सच में गाइज ये नहीं पता था कि लोग ये खाते भी हैं, आज पता चला है। बहुत नाम सुना था मैंने लुलू मॉल का, दिल्ली में था मैं तो बहुत नाम सुना था भाई लुलू मॉल, इच्छा हो गई मतलब कि लुलू मॉल घूमना है एक बार। तो गाँव गया था जैसा कि आपको पता है एंगेजमेंट में भतीजी की, तो वापस दिल्ली जा रहा था, तो मैं डार्लिंग को इसलिए लेके आया था कि मैं घूमते हुए एक्सप्लोर करते हुए आऊँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा आपको दिखा सकता हूँ, मतलब मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं अभी कितना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। जो भी है गाइस कमेंट करके ज़रूर बताओ। लोगों को देखो लेना वेना कुछ है नहीं, आ गए खाली मुँह उठा के, क्या देख रहे हो, पेन वेन देख रहे हो क्या? महंगा है क्या, कितने का है, कौन सा पेन देख रहे हो? 510 तो क्या हुआ भाई, होगा कुछ पाकर का है तो महंगा ही होगा। चलो भैया आगे आओ। तो गाइज लुलू हाइपर मार्केट मैंने आपको दिखाया, जितना कोशिश किया बस थोड़ा बहुत दिखाया क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो बेसिकली ये है हाइपर मार्केट है, तो सुपर मार्केट बोल सकते हैं, इनका नाम हाइपर मार्केट रखा है इन्होंने लुलू हाइपर मार्केट। तो इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, ग्रोसरी की सारी चीज़ें हैं, आप घर के यूज़ के लिए जो भी चाहिए सारी चीज़ें, तो काफ़ी बड़ा है तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और आपको जो भी अच्छा दिखा सकते हैं। तो गाइस अभी आपने देखा लुलू हाइपर मार्केट, वहाँ मैंने घुमाया, बाकी और मॉल के अंदर आपको पता ही ब्रांड्स तो सारे ही होते हैं बड़े बड़े, मैं थोड़ा सा वो भी आपको दिखा देता हूँ। सी सामने एडिडास है, ऊपर बाटा है, वहाँ लिवाइस है, वहाँ बींग ह्यूमन, ओ बींग ह्यूमन भी है भैया इसमें, सलमान खान का ब्रांड वो रहा बींग ह्यूमन, मैंने पहली बार बींग ह्यूमन का स्टोर देखा है, अभी मैं आके जाके अंदर आपको भी दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से कलर बार, ये मेकअप वेकअप का है कुछ, यहाँ पे पेपे जीन्स, यूएस पोलो, जैक एंड जोन्स, दुनिया भर के ओनली सारे ब्रांड्स मैक्सिमम मॉल्स में होते हैं तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। बींग ह्यूमन सलमान खान का ब्रांड, उसका स्टोर मैंने पहली बार देखा है, मैं थोड़ा क्लोज जाके आपको दिखाता हूँ। ये गाइस देख लो आपका मेकअप वेकअप का है, क्या है ये? स्किन के लिए, मेकअप नहीं है ये, स्किन के लिए है। ये है सल्लू भाई, इनके यहाँ ऑफर चल रहा है बाई टू गेट वन फ्री, देखते हैं कुछ, पहली बार बींग ह्यूमन के स्टोर में आया हूँ मैं। तो गाइज आ गया था मैं स्टोर के अंदर, ये भैया हैं बता रहे हैं 20% ऑफ चल रहा है इन बींग ह्यूमन पे, अभी इनका प्राइस, ये सी दिस जैकेट, अभी मैं बताता हूँ इसका प्राइस कितना है, ये 6499 आफ्टर डिस्काउंट कितना आएगा भैया? ये 20% माइनस कर लीजिए, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गाइज आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन हाँ ये कलेक्शन अच्छे हैं,
बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी इस पे ऑफर और आना चाहिए. आई मीन 20% है अभी, मैंने रेड टेप में देखा और भी ब्रांड्स हैं तो उनमें किसी पे 30% 40% चल रहा है. खैर ठीक है जो भी है, बट लाइफ में अभी अब तक मैंने पहला स्टोर देखा है बिंगमैन का, तो अच्छा लग रहा है देख के. बाकी जो भी है अभी दिखाते हैं आपको लुलु मॉल. और तो वैसे देख लिया आपने, बीइंग ह्यूमन सलमान खान का ब्रांड है, 20% का ऑफ है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और ऑफ़र आना चाहिए अभी, क्योंकि और ऑफ़र वो देंगे ही क्यों यार, सलमान खान का ब्रांड है वो, उसके नाम से बिकेगा वो. बट स्टोर में कोई नहीं था भाई टू बी ऑनेस्ट. गाइज मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ स्पेशली गर्ल्स के लिए, अंदर नहीं जाऊँगा बाहर से दिखा रहा हूँ. देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ, ये लड़कियों के काम की चीज़ है. ये देखो नाइका मेकअप का सारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, बट काफ़ी सुंदर बनाया यार इन्होंने भी. स्टोर्स वैसे ब्रांड्स के सुंदर ही होते हैं. और ये रहा एप्पल स्टोर, एप्पल स्टोर है ना ये? यस यस एप्पल स्टोर है भैया. भाई इसका तो नाम पता नहीं है बट खतरनाक लग रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई, बवाल लग रही है पूरी अंगार. गाइज मजाक कर रहा था बट सच में खतरनाक एटीट्यूड था यार. मॉडल है तो एटीट्यूड होगा ही, बाल नहीं है बट फिर भी देखना कॉन्फिडेंस. गाइज हम लोग जहाँ से एंटर किए थे वो डार्लिंग को पार्क करके एंटर किए थे, आई थिंक वो बैक साइड था. मेन ये है यहाँ से फ्रंट, आई मीन मेन एंट्री यही है ना, मेन एंट्री गेट यही है. सामने से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. यहाँ पे अच्छा हाँ यही है मेन एंट्री गेट, यही है भाई. गाइज यहाँ से है इसका ये मेन एंट्रेंस, यहाँ से एंट्री करते ही जैसे आप बाहर आओगे ये देखना क्या गजब का लग रहा है. वो पता नहीं क्या फंटूरा फंटोरा पता नहीं क्या लिखा है बट जो भी है भाई अच्छा लग रहा है. आई थिंक वो गेमिंग जोन है ना, गेम जोन है वो. तो गाइज लगभग सारा मॉल घूम लिया है, एक्सप्लोर कर लिया, जितना दिखाने लायक था जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज आपको दिखा सकते हैं वो मैंने दिखा दी. बट एक चीज मैं आपको बताऊं, मॉल सुंदर है नो डाउट बट जितना नाम सुना था उस लायक नहीं है टू बी ऑनेस्ट. आप भी आओ घूमो देखो, ऐसा कुछ नहीं है बट जितना मैंने बहुत नाम सुना था एशिया का नंबर वन मॉल है या इंडिया का नंबर वन मॉल है, ऐसा कुछ नहीं है. इससे बहुत बड़े बड़े बहुत और सुंदर सुंदर मॉल्स दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं या और शहरों में भी होंगे बट दिल्ली में तो इससे बड़े बड़े मॉल्स हैं भाई, इससे भी सुंदर सुंदर हैं. जितना नाम सुना था उस लायक नहीं है बट सुंदर है नो डाउट. गाइज जो लुलु मॉल है वो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो सामने लिखा है लुलु मॉल, ये है मेन एंट्रेंस इसका. और आप वहाँ से देखोगे सामने से, यहाँ से यहाँ तक आप देखो लेंथ में इतना है, ये वाइड एंगल में इसलिए बहुत लंबा लग रहा है. दिल्ली में आई थिंक इस इतना ही सेम इसके जैसा लंबाई में एक मॉल है क्रॉस रिवर, या मे भी शायद और होंगे बट मुझे नहीं पता है, बट मैंने अंदर से पूरा देखा एक्सप्लोर किया है. तो गाइज ये मॉल सुंदर है नो डाउट, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है कि आप दूर से चल के आओ देखने. जैसे मैं दिल्ली से हूँ, जो सबको पता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली में बहुत नाम सुना था लुलु मॉल, मतलब मेरा इधर दिमाग में था कि मैं जब भी लखनऊ जाऊँगा तो लुलु मॉल ज़रूर जाऊँगा, बट एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा. मैं फिर कहूँगा सुंदर है, मॉल जब बनते सुंदर ही होते हैं बट जितना नाम इसका है उस लायक नहीं है. मतलब मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर बाहर से आप आ रहे हो स्पेशली इसलिए मेरे जैसे मतलब जैसे मैं आया हूँ यार दिल्ली मुंबई यहाँ से लुलु मॉल बहुत सुंदर है भाई चलते हैं, मैं तो लखनऊ स्पेशली इसीलिए रुका था आके कि मुझे लुलु मॉल देखना है, तो आई डोंट थिंक कि ये उस लायक था टू बी ऑनेस्ट. तो गाइस कुल मिला के ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लखनऊ से हैं तो आइए देखिए, बट स्पेशली किसी और स्टेट से इसे देखने के लिए मत आइए. जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैंने बताया मैं दिल्ली से, मेरे दिमाग में था कि यहाँ लुलु मॉल देखना है तो मैं आया, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. सुंदर है, मॉल बनते हैं सुंदर ही होते हैं, बट जितना नाम था इसका कि बहुत ज़्यादा सुंदर था, मतलब सुंदर है लुलु मॉल, एशिया का नंबर वन मॉल है, लार्जेस्ट मॉल है, इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, ऐसा कुछ नहीं है. इससे बड़े बड़े और इससे सुंदर सुंदर मॉल दिल्ली में हैं. एक द्वारका में मॉल खुला हुआ है अभी, जल्दी उसकी ओपनिंग हुई थी वेगस, इससे लाख गुना सुंदर है, लाख गुना. आप एक बार वेगस मॉल में जाओगे, उसको मिनी सिंगापुर बोलते हैं वहाँ दिल्ली में, मतलब नेक्स्ट लेवल का है. तो भैया जितना इसका नाम था मैं मुझे उतना नहीं लगा, बाकी अब आप देख लीजिए आप यहाँ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस. तो गाइस अभी देख लिया आपने लुलु मॉल, घूम लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर. मुझे पार्किंग में से डार्लिंग को निकालना है, फिर मैं जाऊँगा यहाँ से घर. तो गाइस और मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे सुबह निकलना है यहाँ से दिल्ली, मैं सुबह निकल जाऊँगा. तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इसे लाइक करें शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें फॉलो करें. गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें, मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है गाइस, आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करें.
मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है गाइज, प्लीज सपोर्ट करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।